दोस्तों तो मैं आ गया हूँ छपरा और आज आपको मैं छपरा में चीज़ें घुमाने वाला हूँ। और आज मैं दिखाऊंगा आपको कि छपरा का जो राजेंद्र स्टेडियम है वो कैसा है और कैसा दिखता है वो और कितनी जगह में फैला हो गया और इसके अगल बगल की चीज़ मैं आपको कवर अप करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो बस वीडियो में बने रहे। दोस्तों ये है पोखरा, ठीक है, और पोखरा नहीं बोलेंगे इसको दोस्तों, ये एक तरह से मतलब यहाँ पर छठ किया जाता है कभी कभी सुबह में, और जैसे जो आपका छठ का सीज़न होता है उसमें यहाँ पर पानी अलग से डालकर फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये एक छोटा सा मूवमेंट है, मतलब एक छोटा सा हम बोल सकते हैं छोटा सा गार्डन है, जो गार्डन में आप इधर अच्छे से घूम सकते हैं। थोड़ा मैं आपको स्पीड में दिखा देता हूँ जैसा दिखता है। और ये है दोस्तों मंदिर, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही बढ़िया है और घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे बाहर, ये आपको जो है मौना चौक से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मौना चौक से 0.5 किलोमीटर बोल दें आप इसको। और यहाँ से जो है मैं आपको राजेंद्र स्टेडियम की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए सामने जो है यही है राजेंद्र स्टेडियम दोस्तों, और मैं आपको ये देखिए इधर से आप मौना चौक से आप सॉरी गांधी चौक से आप इधर से आओगे और गांधी चौक से आपको इधर यहाँ पर आपको लोग खेलते हुए दिखेंगे। तो ये है हमारा स्टेडियम जिसकी मैं बात कर रहा था। तो कुछ इस तरह का जो है ये ट्रैक बनाया गया है और लोग इसमें आराम से मतलब जॉगिंग ट्रैकिंग करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं इसमें कि ये 400 मीटर का ट्रैक है दोस्तों, तो अगर आपको भी जॉगिंग करना है इस स्टेडियम में आके तो आप यहाँ पर आकर जॉगिंग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और अच्छा एक ट्रैक है जो सुबह सुबह जॉगिंग करने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों।